नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। आशिकी की दीवानगी जब परवान चढ़ती है तब क्या होता है? यहाँ तो दो दिल मिलते हैं या फिर कई जिंदगियां बर्बाद होती हैं। एक ऐसे ही इश्क की दास्तान उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद से सामने आई है, जिसमें आशिकी डबल मर्डर में तब्दील हो गई है। जी हाँ, डबल मर्डर का मामला सामने आया है। यहाँ थानाबाद क्षेत्र के एक सनकी प्रेमी ने माँ और उसकी 19 साल की बेटी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी है। सिर्फ इतना नहीं, चीख पुकार सुनकर बचाव के लिए दौड़ी युवती की भाभी पर भी उसने जानलेवा हमला बोल दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल भाभी को अस्पताल में भर्ती कराया है और आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। आइए अब आपको बताते हैं कि पूरी खबर क्या है। बाहर थाना क्षेत्र के जरार कस्बा की रहने वाली शारदा देवी, जिनकी उम्र 50 साल थी, वो रविवार को अपनी 19 साल की बेटी की कामिनी के साथ घर में सोई हुई थी। उनका छोटे बेटा मनीष अपने चाचा गणेश के यहाँ पर पड़ोस में सोया हुआ था। आरोप है कि देर रात गांव का रहने वाला गोविंद चाकू लेकर घर में किसी तरह से घुस गया। सबसे पहले उसने घर में सो रही शारदा देवी पर हमला किया। इसके बाद कामिनी पर चाकू से चेहरे पर और गर्दन पर लगातार वार करता रहा। घर में चीख पुकार की आवाज सुनकर शारदा देवी से बड़े बेटे राहुल की पत्नी विमलेश की नींद खुल गई और वो बचाव के लिए दौड़ी तो देखा कि सास और ननद मृत अवस्था में पड़ी थी। आरोपी युवक ने विमलेश पर भी चाकू से हमला बोल दिया। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी भी दौड़े और ये देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद तुरंत ही गांव वालों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल विमलेश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। आईजी आगरा जोन सतीश गणेश, एसएसपी बबलू कुमार, एसपी पूर्व अशोक के वेंकट, फतेहबाद बा और पिनाट के सर्कल ऑफिसर के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस अधिकारियों ने घटना की जानकारी ली और फॉरेंसिक एवं डॉग स्क्वाड की टीम ने जांच कर सबूत एकत्रित किए। पुलिस ने दोनों मृतक मां बेटी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दबिश की जा रही है। सूत्रों की माने तो आरोपी प्रेमी युवक की युवती के साथ प्रेम संबंध था। युवक एवं युवती के बीच प्रेम संबंध के चलते इससे पहले भी दोनों परिवारों के बीच झगड़ा और मारपीट भी हुई थी। मामला रफा दफा भी हो गया था और 2 सप्ताह पहले युवती की शादी के लिए सगाई हो गई थी। अब ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि सिर्फ रे प्रेमी युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका और उसकी माँ की हत्या कर डाली। मामले की जानकारी देते हुए आईजीएस सतीश गणेश का कहना है कि 2 महिलाओं की हत्या एवं 1 महिला की घायल होने के पीछे पुलिस को सूचना मिली है। इस बेर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया और मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना में धारदार हथियार का उपयोग किया गया था और साथ ही आरोपी को ठोस जानकारी पुलिस को मिल चुकी है। घटना में लूट, चोरी, प्रॉपर्टी, अन्य प्रॉपर्टी या कोई और मामला सामने नहीं आया है। आरोपी के पकड़े जाने के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। फिलहाल पुलिस की टीमों को गठित किया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए आदेश दिए गए हैं। देखिए, थाना बाह का ये कस्बा जरार है, यहाँ पे आज भोर में पुलिस को ये जानकारी मिली कि 2 महिलाओं की हत्या हुई है और 1 महिला गंभीर रूप से घायल है। तो इसके तत्काल बाद मेरे द्वारा, SSP आगरा के द्वारा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है और घटना में किसी धारदार हथियार का उपयोग किया गया है। घटना किनके द्वारा कारित की गई है इसके बारे में भी ठोस जानकारी पुलिस को मिल चुकी है। 99% इसमें एक व्यक्ति का हाथ है, उस व्यक्ति की भी पहचान हो चुकी है। हमारी कई टीमें जो इसका प्राइम एक्यूज्ड है या प्राइम सस्पेक्ट है, उसकी गिरफ्तारी के लिए सक्रिय हो गई हैं और हमारा प्रयास होगा कि शीघ्र ही ये अभियुक्त जो है पुलिस के हिरासत में आ जाए। इसको कारण मालूम पड़ा सर, क्यों हत्या की गई? देखिए, ऐसा है कि अभी प्रारंभिक छानबीन हो रही है हम लोगों की। निश्चित रूप से इसमें लूट या चोरी या अन्य कोई प्रॉपर्टी ऑफेंस का कोई एंगल नहीं आया है, लेकिन ये विवेचना का विषय होगा कि आखिरकार उस अभियुक्त के मन में ऐसा कौन सी बात थी, उसका उद्देश्य क्या था इस घटना को पारित करने में। तो चूंकि अभी विवेचना जारी है तो मेरा इस प्रकार से टिप्पणी किया जाना उचित नहीं होगा, लेकिन समय आने पर उसकी गिरफ्तारी के उपरांत हम लोग पूरा इसका खुलासा समय आने पर अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने तथ्यों के साथ रखेंगे। आज रात्रि 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में थाना बाह के जरार कस्बे में एक परिवार में, जिसमें 3 महिलाएं थी, एक व्यक्ति के द्वारा घुसकर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें मदर और उनकी बेटी की मृत्यु हो गई है और उनकी बहू
जो घायल हैं उनके इलाज के लिए उन्हें अस्पताल भेज दिया गया है। उनकी स्थिति ठीक है। प्रथम दृष्टया छानबीन के उपरांत यह बात प्रकाश में आया है कि इनके बगल में ही पास में ही रहने वाला व्यक्ति गोविंद, जो प्रेम प्रसंग के मामले के कारण इस प्रकार की घटना को कारित किया है, एक वर्ष पूर्व ही पीड़ित परिवार के द्वारा इस व्यक्ति को, गोविंद को, जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल के आसपास है, इसके साथ कहासुनी और मारपीट की गई थी और इसी चीज़ से क्षुब्ध होकर और प्रेम प्रसंग के कारण ये घटना कारित की गई है। अभियुक्त के फादर और उसके दोस्त से गंभीरता से डिटेल पूछताछ की जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं और सभी तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई कराई जा रही है। मामले की छानबीन जारी है। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।